हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सास किचन डॉट कॉम। आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी और बहुत ही आसानी से, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पनीर भुर्जी बनाना। आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी के लिए लिया है मैंने 250 ग्राम ये पनीर और एक बड़ा चम्मच तेल, थोड़ी सी हींग और दो ये बे लीव्स लिए हैं यानी कड़ी पत्ता, आधा चम्मच लिया है जीरा और एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच लिया है हमने नमक और एक चम्मच हल्दी पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चाहिए एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और हरा धनिया, दो हरी मिर्च बारीक कटे हुए और दो टमाटर बारीक कटे हुए और एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। पनीर को आप क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं। पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब हम पनीर भुर्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और तेल उसमें डाल देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम ये जीरा डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है जिससे हमारे मसाले और प्याज जले ना। तो पहले जीरा डालते हैं, हींग, प्याज डाल देते हैं, एक बार चला देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का लाइट ब्राउन होने तक ही भूनना है। अब इसमें हम ये कसा हुआ अदरक डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च, इनको भी थोड़ी देर प्याज के साथ भून लेंगे। तलिया था वो भी डाल देते हैं। पत्ता मैंने पहले इसलिए नहीं डाला, गरम तेल में तेज पत्ता जल जाता है, इसलिए मैंने इसको प्याज और हरी मिर्च के साथ डाला। प्याज और हरी मिर्च भी हमारी अच्छे से भुन गई है तो ये मसाले लिए थे इन सभी मसालों को इसमें ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे जिससे हमारे मसाले जले ना। मसालों को हम 2 मिनट तक भूनेंगे, फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मसालों का देखिए कच्चापन दूर हो गया है हमारा, तो इसमें हम ये कटे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं। अब मसालों के साथ टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनें जिससे आपके टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएंगे और अच्छे से ये भुन भी जाएंगे। अगर आपको लगे कि मसाला हमारा जल रहा है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालूँगी जिससे हमारे टमाटर हैं जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें 1 मिनट ढककर भी पका सकते हैं जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और जल्दी बन जाएंगे। देखिए मसाला और टमाटर हमारे अच्छे से भुन गए हैं, इसका तेल भी बाहर आने लगा है, तो इसमें हम ये कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देंगे। इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें 2 से 3 मिनट बस ढक के पकाना है तो जिससे जो हमारे मसाले हैं पनीर के साथ अच्छे से मिक्स जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए पनीर भुर्जी भी हमारी तैयार है, इसका तेल सारा बाहर आने लगा है। तो इसको हम एक बार चला देंगे और इसमें जो कटा हुआ हरा धनिया लिया था उसे ऐड कर देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। पनीर भुर्जी हमारी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।